शेख, मेरा सवाल ये है कि मतलब सूरह मुफस्सल किसको कहते हैं? और मैंने ये भी सुना है कि सूरह नंबर 50 यानी 50 सूरह काफ की बहुत ज्यादा फजीलत है, तो क्या ये सही हदीस से साबित है क्या? जी सिस्टर, देखिए आपने पूछा है कि मुफस्सल सूरतें किसको कहा जाता है। मुफस्सल उन सूरतों को कहा जाता है जिनमें फासिले बहुत ज्यादा हैं। देखिए कुछ जो बड़ी सूरतें हैं कुरान के इब्तदाई हिस्से में, उन बड़ी सूरतों में बड़ी बड़ी आयतें हैं, यानी जो फासला फासला मतलब होता है वक्फा, दो सूरतों के दरमियान, दो आयतों के दरमियान जो फासला होता है वो देर देर पे आता है, तो फासले वहां ज्यादा नहीं होते हैं। जिन सूरतों में छोटी छोटी आयतें होती हैं उनमें फवासिल ज्यादा होते हैं, तो उन सूरतों को मुफस्सल कहा जाता है। जी सूरे काफ से लेकर के आखिरी कुरान तक जो सूरतें हैं ये मुफस्सल सूरतें हैं, क्योंकि उनमें फासले ज्यादा होते हैं। और फिर उन मुफस्सल की भी अकसाम है, तवाले मुफस्सल, कसारे मुफस्सल, औसाते मुफस्सल, वो जो है पूरी उसमें तफसील है कि कहां से कहां तक तवाले मुफस्सल, कहां औसाते मुफस्सल या जी कसारे मुफस्सल है। बहरहाल सूरह काफ से लेकर के आखिरी कुरान तक इसको मुफस्सल सूरतें कहा जाता है, क्योंकि उनके दरमियान फासले ज्यादा होते हैं। सूरह काफ के बारे में आपने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप जुमा के खुतबे में बेशतर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से के बेशतर खुतबे जुमा के उनमें साबित है कि आप सूरे काफ की तिलावत किया करते थे। और सूरे काफ के अंदर कयामत का जिक्र है, इंसान की तखलीक का जिक्र है, बादल मौत का जिक्र है, इन तमाम चीजों का जिक्र है, तो ये इस सूरा की बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन अलग से उसकी कोई फजीलत, अलग देखिए कुरान की सूरतों की फजीलतों के बारे में आपको अगर तफसीर की किताबें पढ़ेंगी तो बहुत सारी ज़ईफ रिवायतें, हर सूरत की अलग से कोई फजीलत आई हुई है लेकिन वो सारी रिवायतें ज़ईफ हैं। चंद सूरतें ऐसी हैं जिनकी फजीलत के, खास फजीलत के बारे में कोई रिवायत साबित है। वल्लाहु आलम, सूरे काफ की खास फजीलत के बारे में मुझे किसी रिवायत का इल्म नहीं है, इसलिए मैं इसमें तवक्कुफ इख्तियार करता हूं, जब तक कि ये चीज मुझे इल्म ना हो जाए कि सूरह काफ की खास तौर से कोई फजीलत साबित है। बहरहाल कुरान की सूरतों की फजीलत के मसले में हमें मुतनब्बा रहना चाहिए, क्योंकि बेशतर सूरतों की फजीलत के बारे में जो रिवायतें हैं वो ज़ईफ हैं, चंद एक सूरतों की फजीलतों के बारे में रिवायतें सही हैं। और हमें अलग से फजीलत की जरूरत भी नहीं है, पूरे कुरान की फजीलत है। हाँ, सूरह काफ की जो अहमियत मैंने बयान की, ये इतनी अहम सूरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के खुतबे में सूरह काफ की तिलावत किया करते थे। जी, शेख, जज़ाकल्लाहु। मैंने ये भी सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र में भी इस सूरत की तिलावत करते जी थे। जी बिल्कुल, इस सूरत की भी और इसके अलावा जैसे सूरह गाशिया है और सूरतुल आला है, इसकी तिलावत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो कई एक सूरतें हैं जिनकी तिलावत आप जुमा की नमाज में या जो है ईदैन की नमाज में करते थे, तो वहां पर उनकी तिलावत करना ये सुन्नत है।